गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम अभी तक देखे क्या, बहुत अलग अलग तरीके का क्वेश्चन देखे, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड। तो आज हम फर्स्ट लॉ पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम आपको क्या कर रहे हैं, अब सेशन चल रहा है जहाँ पे हम पहले क्वेश्चंस करके वहां तक और भी चीजों को क्लियर कर लेते हैं, ताकि हमारा सारा चीज क्लियर रहे, ठीक है, और हमको दिक्कत ना हो। अगर हमको दिक्कत, क्वेश्चंस हमारा क्लियर होगा, अल्टीमेटली हमको करना तो क्वेश्चंस ही है, और क्वेश्चन चाहे थ्योरी बेस्ड हो चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड। तो आज हम एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आए, तो हम देखेंगे जेई में और आरआरबी जेई में जो पैटर्न होगा आपका सेम डिट्टो होगा, बता रहे हैं आपको। अगर कहीं भी चेंज होगा तो आप हमारे, अगर चेंज होता है ना तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, हम बता रहे हैं आपको। अगर कहीं भी चेंज होगा इस पैटर्न से, अगर चेंज होकर क्वेश्चन आएगा तो ये हम आपको दावा कर सकते हैं। और आप बोलिएगा सर कैसे दावा कर सकते हैं, तो इस बार का क्वेश्चन आप भी जानते हैं, आप टीसीएस सेट कर रही है क्वेश्चंस, और जेई लेवल का एग्जाम, दोनों ही जूनियर लेवल का। इस बार पैटर्न पूरा चेंज होके आ रहा है, सारा सिलेबस चेंज। पहले क्या होता था, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों का मिला के क्वेश्चन आता था, तीनों सब्जेक्ट्स का मिला के क्वेश्चन आता था, मगर अब हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ मैकेनिकल का क्वेश्चन आना है। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है, मतलब मान लीजिए कि हमारे इंडिया में एक कल्चर क्या है कि हायर लेवल का क्वेश्चन कर लो तो लोअर लेवल के क्वेश्चन अपने आप वही पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, पैटर्न सारा का सारा सेम होता है। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन हम कल क्वेश्चंस किए थे किस पर बेस्ड, हम DQ मतलब कि सिस्टम पे बेस्ड किए थे, DQ, DU और DW पे। आज भी वही करेंगे, फर्स्ट लॉ में इसी का एप्लीकेशन है पूरा, तो आज भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और पिछला वाला भी देखेंगे। तो एक्सटर्नल इंटरनल एनर्जी पिछले वाला देखे थे, तो आज देखते हैं क्या है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, फिक्स्ड मास है एंड आइडियल गैस चेंजेस डीपी, बोल रहा है कि डीपी चेंज होता है प्रेशर में, आइडियाबेटिक सिस्टम है। इसमें नोट कीजिए पहले पहले क्या बोल रहा है, ये आइडियाबेटिक है प्रोसेस, प्रोसेस क्या आपका आइडियाबेटिक है, ठीक है। मास क्या है उसमें, फिक्स्ड है, ठीक है, आइडियल गैस है उसके अंदर, और बोल रहा है कि उसके अंदर जो चेंज हो रहा है डीपी का, प्रेशर का चेंज डीपी है, और उसका वॉल्यूम कितना है, वी है उसके अंदर अभी, और चेंज होकर डीपी हो जाता है। तो बोलता है डीवी बाई वी का रिलेशन, डीवी बाई वी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइडियाबेटिक सिस्टम के लिए हम आपको क्या बताए थे, मतलब आइडियल गैस में हम क्या लगाते हैं, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही लगाते हैं, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और पूछ क्या रहा है हमको, डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है, डेल्टा वी बाई वैल्यू का वी, डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर आप तो ऐसा कुछ कराए नहीं, हम करा चुके हैं, आपको पीछे देख लीजिएगा, करा भी चुके हैं और अभी फिर से करा दे रहे हैं। कहाँ पे कराए थे, जहां पे हम आपको बता रहे थे कि, मतलब कि जहां पे बता रहे थे आपको के टाइम्स उसका कर्व हो जाता है, मतलब जैसे डीवी बाय वी था, मतलब कर्व जो होता था उसका डीपी बाय डीवी का, जहां पे कर्व बता रहे थे वहां पे यही आपको करवाए हैं। तो उसी चीज को हम दोबारा से आपको करवा देते हैं, दोबारा से करेंगे तो क्या करेंगे, इसका जो है ऑप्शन क्या क्या था पहले देखिए, ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन इसमें है माइनस ऑफ गामा टाइम्स ऑफ डीपी बाय पी, पहला ऑप्शन ए है आपका। बी ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन है वन बाय गामा माइनस ऑफ वन बाय गामा डीपी बाय पी, ये दूसरा ऑप्शन है आपका। तीसरा ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है आपका, देखिए सी ऑप्शन क्या है, वन बाय गामा क्यू डीपी बाय पी, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका डीपी बाय सीधा डेल्टा पी बाय पी, ये डी ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है। तो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, चलिए हमको ये नहीं भी देता तो क्या हम नहीं निकाल सकते थे डीपी बाय डी का वैल्यू क्या होगा आइडियाबेटिक के लिए, और आइडियल दिया हुआ है, मास फिक्स दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना। देखिए इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, डीपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वी टू द पावर गामा, एक चीज को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का यूबी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी ऑफ यूबी बाय क्या लिखते हैं इसको, यू डी वी प्लस बी डी यू, ये लिखते हैं आप, ये लिखते हैं ना जी, जैसे यू इंटू वी का प्रोडक्ट रहता है उसका डिफरेंशिएट करना होता है, क्या लिखते हैं, यू डी वी प्लस बी डी यू, ठीक है, ये होता है आपका। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा आप, क्या डीपी वी टू द पावर गामा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा,
इसके बाद इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेगा तो गामा यहाँ आ जाएगा v टू दी पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी। ठीक है, पहले पावर के x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन किए तो क्या हो गया n x टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, अब इसका x का भी करते हैं तो क्या लिखते हैं dx। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखे dv, क्या लिखे dv, और उसके बाद क्या लिख देंगे इसका p लिख दिए इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब क्या किए इस एक इस वाले पोर्शन को एक साइड ले गए v वाल मतलब dp v टू दी पावर गामा, इसको लिखेंगे माइनस ऑफ गामा टाइम्स v टू दी पावर गामा माइनस वन dv। ठीक है, इंटू p लिख सकते हैं ना ऐसे। अब क्या करेंगे ये p को यहां ले आए v को इधर ले गए, ये क्या हो गया dp by p, ये क्या हो गया dp by p, और इसको लिखेंगे dv by v टू दी पावर गामा, और यहां पर लिखेंगे माइनस गामा v टू दी पावर गामा माइनस वन। अब जानते हैं क्या हो, एक रूल होता है, एक रूल क्या होता है a टू दी पावर m रहता है और a टू दी पावर n रहता है, तो इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m माइनस n। सेम वही करेंगे, इसको इधर लेके गए ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ गामा v टू दी पावर गामा माइनस वन इंटू गामा। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा आपका माइनस गामा, यहां पे जाएगा dv by v। अब ये माइनस गामा और ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक ये dv रहा यहाँ पे खाली। चलिए फिर से देखिए, ये क्या है माइनस गामा और इसको लिखेगा v टू दी पावर गामा माइनस वन और v टू दी पावर माइनस ऑफ गामा इंटू dv। अब एक अब इसको जब अलग कीजिएगा आप तो क्या लिख सकते हैं v, लिख सकते हैं v टू दी पावर गामा अपॉन v, और इसको लिखेंगे v टू दी पावर माइनस गामा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका dv और ये बचेगा माइनस गामा। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं इस गामा को अगर इस साइड ले आएंगे तो माइनस वन बाय गामा, माइनस वन बाय गामा dp बाय p। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेगा इधर लिखेगा dv बाय v, तो ये आपका बना, और ये ऑप्शन चेक कर लीजिए आप। जब ये ऑप्शन देखे तो हमको कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन बी। हम क्या किए कुछ नहीं किए, पार्शियली डिफरेंशिएट किए dv वाले टर्म को एक साथ और dp वाले टर्म को एक साथ लिखे और ऑप्शन से मैच कर लिए, कुछ नहीं। एडियाबेटिक वाला हमारा क्या था pv टू दी पावर गामा, हम जानते हैं एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, आइडियल गैस अगर है तो क्या लिखते हैं pv टू दी पावर गामा लिखते हैं, pv टू दी पावर गामा लिखते हैं। ठीक है, pv टू दी पावर गामा लिखते हैं। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किए, पार्शियली डिफरेंशिएट किए, कांस्टेंट का जीरो हो गया, दो टर्म को एक साइड लेके एक टर्म को, फिर p वाले को एक साथ किए, v वाले को एक साथ किए, फिर क्या ये रूल लगाए, ये रूल लगा के ये फॉर्म लिख दिए, और डेरिवेशन आपके सामने है, वीडियो रोक के देख लीजिए फिर से, और उसके बाद ऑप्शन से हम मैच करा लिए, जैसा ऑप्शन था उस फॉर्म में लाके हमारा आंसर मिल गया। तो यही आपका ऑप्शन था, ये यही आया है हमारा, यही वाला पोर्शन आपका आंसर है, ये वाला पोर्शन आपका आंसर है, तो हमारा ये वाला हो गया। ये तो सीधा सीधा डेरिवेशन बेस्ड कैसा होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आपको हम डेरिवेशन भी करा चुके हैं, पीछे भी देख लीजिएगा वीडियो में, तो वहां पर भी करा चुके हैं और आज भी करा दिए एक बार। तो ये हमारा था इसके लिए। अब आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या है आपका, आगे क्वेश्चन है कि हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इक्वल्स टू द वर्क डन इन एनी इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब क्लोज सिस्टम है, क्या है क्लोज सिस्टम है, बताए हैं आपको जब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बता रहे थे, तो ये क्या है नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस है तो क्या है ये क्लोज सिस्टम है। ठीक है, क्लोज सिस्टम आपका दिया हुआ है, वर्क डन बोल रहा है किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाना चाहिए हीट सप्लाइड के, वर्क डन बराबर हो जाना चाहिए हीट सप्लाइड के, तो ऐसा कब होगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन में, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। तो ऑप्शन आपका था, पहला था आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस, दूसरा है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, तीसरा है आपका सी ऑप्शन है आइसोथर्मल प्रोसेस, और चौथा आपका है एडियाबेटिक प्रोसेस।
ये चार है आपका, ठीक है। अब देखिए हम क्लोज सिस्टम के लिए क्या फर्स्ट लॉ का इक्वेशन जानते हैं, क्लोज सिस्टम के लिए हम जानते हैं dq इक्वल टू du प्लस dw। बोल रहा है कि ये और ये बराबर हो जाए, ऐसा कब होगा? बोल रहा है कि dq बराबर dq इक्वल टू dw हो जाए, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है। ऐसा कब होगा वही बोल रहा है, ऐसा कौन सा प्रोसेस अगर हम लगा दें इस चारों में से ताकि dq बराबर dw हो जाए, dq बराबर dw हो जाए, ऐसा कब होगा? ऐसा कब हो सकता है जब ये जीरो हो जाए, सिंपल सा बात है। ऐसा कब हो सकता है जब du इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो dq बराबर क्या हो जाएगा dw। क्लोज सिस्टम के लिए हम क्या जानते हैं, फर्स्ट लॉ, क्लोज सिस्टम के लिए कौन सा इक्वेशन लगता है, dq इक्वल टू du प्लस dw, यही लगाते हैं dq इक्वल टू du प्लस dw। क्या लगाते हैं, dq इक्वल टू du प्लस dw क्लोज सिस्टम के लिए लगाते हैं। और वो क्वेश्चन सी बोल रहा है हीट सप्लाई बराबर हो जाए वर्क डन के, और हीट सप्लाई वर्क डन के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये अगर जीरो हो जाए तो ये और ये बराबर हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये बराबर हो जाएगा कब, जब ये जीरो हो जाएगा। और ये जीरो कब हो जाएगा, हम जानते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है, एनसीबी डीटी इक्वल टू जीरो। ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको ले गए इधर साइड, किसी भी जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचा डीटी इक्वल टू जीरो, डीटी इक्वल टू जीरो मतलब टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल। ऐसा केस कब होता है, टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल, जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। हम बताए थे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल, थर्मल कब, टेम्परेचर से, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बराबर हो गया इनिशियल और फाइनल वाला, जब टेम्परेचर बराबर होगा तभी क्या होगा हमारा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तभी क्या होगा हमारा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। टेम्परेचर टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल होगा, टी इनिशियल इक्वल टू हमारा क्या होगा, टी फाइनल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा दो क्वेश्चन तो हो गया, अब अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी, बोला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो डीयू का वैल्यू, डीयू का वैल्यू क्या होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डीयू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, डीयू का वैल्यू क्या होगा, कब होगा, जब टी इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब, ठीक है। हम क्या बोले थे आपको कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अब जब टेम्परेचर ही कॉन्स्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, कॉन्स्टेंट नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट होगा। तो ऑप्शन आपका क्या क्या था, इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका है कि ऑलवेज इंक्रीजेस, पहला ऑप्शन दिया आपका ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन है मे इंक्रीज और डिक्रीज, चौथा ऑप्शन है आपका कॉन्स्टेंट। चलिए फिर से क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब आइसोथर्मल मतलब क्या, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, बोला इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीयू से, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, या इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, या बराबर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो वो ना टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। और हम आपको क्या बताएं कि जो आइडियल गैस होता है, आइडियल गैस के लिए हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब आइडियल गैस के लिए हमेशा क्या रहता है, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, और वो डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है चूंकि, तो टेम्परेचर ही कॉन्स्टेंट हो गया, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर ही कॉन्स्टेंट हो गया, तो डीयू क्या होगा, डीयू भी कॉन्स्टेंट होगा, डीयू भी कॉन्स्टेंट होगा, तो ये हमारा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी हो गया, ये हमारा कब पूछा था, 2012 में, ये 13 में, ये 14 में।
अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है हमारा, अगर आपको लग रहा है कि हमारा थर्मो ठीक चल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टीम का मनोबल बढ़ाएं, और मतलब जितना हो सकता है ना शेयर करें लोगों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि क्वेश्चंस आना कैसा है। ऐसा ना हो कि आप कहीं भी मतलब भटक रहे हैं, ठीक है, हम आपको वही कंटेंट देख रहे हैं, आपको हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, एकदम डिट्टो क्वेश्चंस दे रहे हैं, कहीं भी किंतु परंतु या लाइन चेंज भी नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ, छेड़छाड़ कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मनोबल बढ़ाइए हमारे टीम का, ताकि आपको और भी कंटेंट मिले, और भी ज्यादा जानकारी मिले, जॉब के बारे में पता चल रहा है आपको, फिजिक्स के मतलब जनरल साइंस पता चल रहा है आपको, मैथ्स लेंगे हम मतलब कुछ दिनों के बाद, तो आपको जेई का मैथ्स करा देंगे हम आपको, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एन एडियाबेटिक प्रोसेस इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच देयर इज, तो इसके लिए तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। बोल रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सिंपल, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, यही बोला है कि हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पहला दिया कि एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, एनर्जी ऑप्शन देखिए पढ़ देते हैं आपको, पहला ऑप्शन है ए थर्मल ए लिमिटेड हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, बोला कि सिर्फ कुछ लिमिटेड हीट ट्रांसफर को अलाउ करेगा। एडियाबेटिक का मतलब ही हम आपको समझाए थे कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं। एडियाबेटिक का मतलब ये नहीं होता कि एनर्जी ट्रांसफर, एडियाबेटिक का मतलब ये होता है कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब हो जाता है उसमें कोई भी एनर्जी या कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होगा। एडियाबेटिक जहां पे खाली रहे, तो एडियाबेटिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या देखिएगा, डीक्यू इक्वल टू जीरो लिखिएगा, मतलब नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो ऑप्शन पहला था कि कुछ हीट ट्रांसफर होगा बाउंड्री से, तो ये तो गलत हो गया। नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम, इससे कोई भी हीट ट्रांसफर, ये सही है, बी ऑप्शन हमारा क्या है सही है। पहला लिखा है कि कुछ हीट, पहला ऑप्शन है आपका, लिखिए देखिए, ए लिमिटेड हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, ये तो गलत हो गया सारा का। लिमिटेड क्या, कुछ भी नहीं, जीरो, रत्ती भर भी नहीं, रत्ती भर भी हीट ट्रांसफर नहीं हो। फिर क्या बोल रहा है, नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, सही बात है कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा, बी। तो उसके चलिए और भी समझते हैं ऑप्शन को। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है नो एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, तो आप बोल सकते हैं सर जब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो एनर्जी भी तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नहीं। मान लीजिए कि इसमें अगर हम इधर पैक करके रखते हैं इसको, ठीक है, अगर हम इसको पैक करके रखते हैं, ठीक है, इसको पैक करके और इसको हम रिमूव कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो एनर्जी ट्रांसफर होता ही इसमें इसमें, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर तो होता, ठीक है, और वो हम केस बताएंगे आपको कि एनर्जी ट्रांसफर होता है, और एडियाबेटिक वो सिस्टम, एनर्जी तो ट्रांसफर होता है मगर एडियाबेटिक सिस्टम होता है, जैसे टरबाइन, देखे टरबाइन जो होता है, हम बोल देते हैं कि ये एडियाबेटिक सिस्टम है मगर एनर्जी तो ट्रांसफर होता है टरबाइन में, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वाटर का, वो ट्रांसफर करता है किसको, शाफ्ट को, और शाफ्ट को क्या करता है, वो रोटेट कराता है। मगर क्या इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो हम आइडियाबेटिक पहले से ही लेके चलते हैं, आइडियाबेटिक सिस्टम, तो आइडियाबेटिक सिस्टम लेने की वजह से डीक्यू तो जीरो है, डीक्यू तो जीरो है मगर इनर्जी ट्रांसफर जो है वो जीरो नहीं है, इनर्जी ट्रांसफर जीरो नहीं है। तो यही आपको एग्जाम्पल भी बता दिया, टरबाइन का केस हम बताए भी थे आपको, ठीक है। तो क्या बोलना, एडियाबेटिक सिस्टम में नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यही ऑप्शन था। नो इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम, ये तो असर गलत है, अभी बताया आपको, इंटरनल एनर्जी तो उसके अंदर का है, मान लीजिए मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल टकराएगा तो उसमें इंटरनल एनर्जी में भी डेवलप हो सकता है। तो पहला ये, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था, नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, ये हमारा आंसर है। आंसर क्या था हमारा, देयर इज नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस टू एंड फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री through the boundary। देखिए क्या है, पहला
पहले क्या बोले, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस टू एंड फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस टू एंड फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस टू एंड फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री। एडियाबेटिक सिस्टम में क्या होगा, नो हीट ट्रांसफर, कुछ भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा सिस्टम से, ना तो अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, ना सिस्टम में आएगा ना सिस्टम से बाहर जाएगा, और किसके थ्रू, बाउंड्री के थ्रू भी कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। चलिए ये भी हो गया हमारा, ये कब पूछा है तो 14 में 13 में 12 में, देख झड़ी लगा हुआ है क्वेश्चन का। चलिए आगे चलते हैं, बोला कि एक गैस इन अ कंटेनर ए है, मान लीजिए कि ये कंटेनर आपका क्या है, ए, ये कंटेनर आपका ए है और ये कंटेनर बी है, ठीक है, ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है, इन दोनों में क्या है, गैस भरा हुआ है, ये ए कंटेनर है और ये बी कंटेनर है, ठीक है, तो और दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम है, ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बोले थे, इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई चीज है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई चीज है तो हम बताए थे आपको इक्विलिब्रियम का कंडीशन। अब सोचिए हम उस समय अगर आपको यही नहीं बताया होता थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अब बोलेगा सर इतना लंबा क्यों खींचे थे, आपको हम यही नहीं बताए होते हैं डिटेल में थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आपको इक्विलिब्रियम का उतना बड़ा भास्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता। आज आप समझ सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो क्या बोला इसका जो टेम्परेचर टी ए है और इसका जो टेम्परेचर टी बी है वो बराबर है, मतलब टी ए इक्वल टू टी बी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इन ए कंटेनर बी, अगर कंटेनर बी में जो प्रेशर है उसको पी सफिक्स बी से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम जो कंटेनर बी में है उसको बी सफिक्स मतलब इसका प्रेशर को पी ए से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम बी ए से डिनोट करते हैं, बी से बी कंटेनर है तो बी से, ए कंटेनर है तो पी ए से, और इसका वॉल्यूम किससे डिनोट करते हैं, बी ए से। तो बोलता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, इफ द करस्पोंडिंग वॉल्यूम्स प्रेशर डिनोटेड बाय बी और ए से डिनोट करते हैं, तो बोल रहा है कि इस कंटेनर का रिलेशन कैसे डेवलप होगा, वही बोल रहा है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ए और पी बी का रिलेशन क्या डेवलप होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस की जब भी हमको अभी क्वेश्चन मिल रहा है तो हम क्या मान के चलेंगे, जब तक वो नहीं दे रहा है कि रियल गैस है तब तक हम क्या मान के चलेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि वो आइडियल बोल रहा है, नहीं लिखा होगा तब भी मान के चलेंगे आइडियल, तो आइडियल लेके चलेंगे तो हम क्या आइडियल गैस इक्वेशन लगा दें, पी वी इक्वल टू एम आर टी, एम आर टी इसको लिखेंगे टी ए, इसको लिखेंगे पी वी पी ए, इसको लिखेंगे वी ए, ठीक है, हम मान लेते कि दोनों में मास सेम था, ठीक है, इसको लिखेंगे हम इक्विलिब्रियम में, इसको लिखेंगे पी वी, इसको लिखेंगे पी बी बी, इसको लिखेंगे एम आर टी बी। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों कांस्टेंट है और आर का वैल्यू तो बदलेगा नहीं, और हम मान लीजिए कि दोनों में वन, इसमें भी एक केजी है और इसमें भी एक केजी मास है पर केजी, ठीक है, तो ये दोनों कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है थर्मल इक्विलिब्रियम की, क्वेश्चन में लिख के दिया है क्या थर्मल इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्मल इक्विलिब्रियम, तो क्या हो गया टेम्परेचर भी बराबर, मतलब ये और ये बराबर है, तो हम क्या जानते हैं कभी भी इक्वेशन में अगर हमारा आरएचएस बराबर है दोनों का तो एलएचएस भी दोनों का क्या होगा बराबर, अगर हमारा दाहिना हाथ में जो चीज है वो बराबर है तो बाएं तरफ जो पड़ेगा वो भी क्या होगा बराबर होगा, मतलब LHS बराबर RHS होता है, अगर दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी क्या होगा बराबर, तो हम क्या लिखेंगे PA VA equal to PV VB और यही आंसर है। तो ऑप्शन आपको बताते हैं, देखिए हम पहले आंसर निकाल दिए, अब ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन दिया है PA not equal to PV कोमा VA इक्वल टू VB, ये पहला, उसके बाद एक ऑप्शन दिया आपका PA by VA इक्वल टू PV by VB,
ठीक है, ये ऑप्शन ए था आपका, ये ऑप्शन बी था, ठीक है। ऑप्शन सी क्या दिया आपका, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ आपका, ठीक है, पी ए इक्वल टू पी बी बट वी ए नॉट इक्वल टू वी बी, ये ऑप्शन सी है आपका, ठीक है, ये ऑप्शन सी है आपका। ऑप्शन डी क्या है आपका, देखिए ऑप्शन डी क्या दिया आपका, पी ए वी ए इक्वल टू पी वी पी बी, ये ऑप्शन। तो आप देखिए सीधा सीधा मिल रहा है ना, तो ये आपका ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया सीधा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, ये कब पूछा था, 2014 के इवनिंग सेशन में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड एज, बोल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट ना तो इंटर हो सिस्टम में ना ही सिस्टम से बाहर जाए, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे। और ऑप्शन आपका क्या था, ऑप्शन आपका था पहला आइसोइंट्रोपिक, पहला आपका आइसो इंट्रोपिक, दूसरा आपका आइसोबारिक आइसोबेरिक, ठीक है, तीसरा आपका क्या है, आइसोकोरिक चोरी आइसोकोरिक, और उसके बाद है आपका आइसोथर्मल, ए बी चौथा ऑप्शन आपका आइसोथर्मल, चौथा आपका है आइसोथर्मल। देखिए अब क्या बोल रहे हैं आप, कि कोई भी हीट ट्रांसफर ना हो, वॉल्यूम इसमें क्या बोलता है, ये वॉल्यूम कॉन्स्टेंट बताता है आपको, ठीक है, ये क्या होता था आपको प्रेशर कॉन्स्टेंट, ये क्या होता था टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये क्या बोलता है आपको आइसो इंट्रोपिक। अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होने से ऐसा कहां से पता चलेगा कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, ऐसा थोड़ी कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, होता है, ठीक है। तो आइसोबैरिक में प्रेशर कॉन्स्टेंट, इसमें भी नहीं होगा। आइसो इंट्रोपिक का केस था हमारा रिवर्सिबल प्लस आइडियाबेटिक, आइसो इंट्रोपिक कब बोलते हैं, रिवर्सिबल हो सिस्टम, रिवर्सिबल हो सिस्टम, रिवर्सिबल हो सिस्टम क्या हो, रिवर्सिबल प्लस क्या हो आपका आइडियाबेटिक, देखिए जब भी आपको नो हीट ट्रांसफर बोल दिया ना, नो हीट ट्रांसफर, तो हमको एक ही चीज पे जाना कि आइडियाबेटिक कहां मिल रहा है हमको, आइडियाबेटिक हमको कहां मिल रहा है, आइडियोबेटिक हमको मिल रहा है किसमें, आइसोएंट्रोपिक में, तो ये हमारा आंसर होगा, आइडियोबेटिक कहां मिल रहा है हमको, आइसोएंट्रोपिक में। इसमें क्या होता है आपका डीएस इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इंट्रोपिक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, जब इंट्रोपिक कॉन्स्टेंट होगा कब, जब रिवर्सिबल और आइडियाबेटिक हो, तो आइडियाबेटिक में हम क्या बताता है वो, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, रिवर्सिबल हमको बोला नहीं है, मगर हम जब ऑप्शन में हमारा उसी तरह का दिया है, तो हमको आइडियाबेटिक कहां मिल रहा है, आइडियाबेटिक सिर्फ आइसोइंट्रोपिक में मिल रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, आइसोइंट्रोपिक। चलिए अब एक क्वेश्चन और बचा, आज का सेशन हम क्वेश्चंस क्या यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बैलून बैलून है जिसमें 10 kg हीलियम भरा हुआ है, ये बैलून है मान लीजिए, ये आपका बैलून है, बच्चे हैं आप, हम भी बच्चे हैं अभी, ये आपका बैलून रहा, इसमें क्या है 10 kg हीलियम है, 10 kg हीलियम है। अब क्या करता है, इसमें हम हीट ये रिसीव किया, इसमें हीट इनटू द सिस्टम दिए 5 kg, कितना दिए 5 kg, ठीक है, तो इसका हीट जैसे ही दिए इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, ये बढ़ जाता है, बैलून बढ़ गया, और इसका वॉल्यूम जितने से बढ़ता है डिफरेंस दिया हुआ है बाय, क्या दिया है बाय, क्या दिया आपको, इंक्रीजेस बाय, इतने से बढ़ जाता है, ये नहीं दिया कि पहले इतना बाद में हो गया, इंक्रीजेस टू रहता है ना तो क्या होता है कि बाद में 0.2 हो गया, पहले वाला उसके लिए तब देना पड़ता है, पहले इतना था और बाद में इतना हो गया, ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों के डिफरेंस इंक्रीजेस बाय है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही दिया है, मतलब वो हमको क्या दिया है, ये डेल्टा वी का वैल्यू दिया है हमको कितना, 0.2 m³, ठीक है, 0.2 m³, वो क्या बोल रहा है इंक्रीजेस बाय, इतने से बढ़ गया, मतलब वो उसका डिफरेंस बता रहा है, मतलब बोल रहा है इतने से बढ़ गया कोई चीज,
मतलब आपके पास पहले बोलना है कि आपके पास जितना पैसा था उस मतलब वो जो है 10 रुपये से बढ़ गया। अगर 10 रुपये से बढ़ गया मतलब क्या, आपके पास जितना पैसा था उसमें 10 रुपये और जुड़ गया, मतलब वो क्या चेंज दिया है कि आपके पास जितना पहले था और अभी है उसका डिफरेंस कितना है, वो 10 रुपया है। ठीक है, ये आपका डिफरेंस दिया हुआ, डीवी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है और इसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं और वो कितना वैल्यू है 100 किलो पास्कल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर एंड 100 किलो पास्कल। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो, बैलून है ये क्या क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम है तो हमारे पास एक ही है, तो बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो, एक ही फॉर्मूला हमारे पास dQ = dU + dW है। अब बोला इंटरनल एनर्जी का चेंज हमको ये निकालना है, तो क्या हमको चाहिए dQ - dW, अगर हम निकाल ले तो dU के बराबर होगा, यही होगा जी, dQ - dW निकाले तो dU के बराबर होगा। अगर ये हमको मिल जाएगा तो हमारा काम हो गया। और ये बोला कि 5 किलो जूल पर kg, हम क्या कर रहे हैं 1 किलो पर 5 किलो जूल, तो 10 किलो पे कितना हीट सप्लाई किए, मतलब इतना किलो जूल 5 किलो जूल पर kg, हम 5 किलो जूल पर kg हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब 10 किलो में कितना हीट सप्लाई किए होंगे 10 × 5। ठीक है, वर्क डन क्या होता हमारा पीडीबी, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो और क्लोज सिस्टम है, पी हमारा क्या है 100 और चेंज इन वॉल्यूम कितना है हमारा 0.2 और यही हमारा क्या होगा डीयू के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 - 20, ये कितना हो गया डीबी, डीयू इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहां से 30, यही ऑप्शन है आपका आंसर, यही आंसर था आपका ऑप्शन। अब आपको ऑप्शन बताते हैं, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है आपका 10, बी ऑप्शन है आपका 20, थर्ड ऑप्शन है आपका 30 और फोर्थ ऑप्शन आपका है 70। ठीक है, ये बी ऑप्शन था आपका और ये सी ऑप्शन है आपका, तो ये चार ऑप्शन था आपका। ठीक है, तो देखिए 30 ऑप्शन आपका आंसर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये हमको तो इतना टाइम लगा समझाने में, अगर हमको पता हो तो हम सीधा यही लिखते हैं और ये करते हैं, हम सीधा यहाँ पे पहुंचते हैं और आंसर निकालते दूसरे स्टेप में आंसर। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमारा आंसर होता है, ये तो आपको समझाने के लिए सारा चीज किए हैं। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे रोकेंगे, और आज आप हमको इतना कीमती समय दे रहे हैं और आपका भी निकला हुआ है, अगर ऐसे अगर निकलेगा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके लिए आप बहुत मेहनत किए, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत और कीजिए और आपका और अच्छा होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।